हाय दोस्तों, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए प्लेलिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट बनाना चाहते हैं, तो आप अपने चैनल के लिए प्लेलिस्ट किस तरह से बना सकते हैं। लेकिन ये जानने से पहले, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन्हें भी ऐसी टेक्निकल नॉलेज मिलती रहे। तो चलिए हम जान लेते हैं आप प्लेलिस्ट किस तरह से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं आप अपने YouTube चैनल के लिए प्लेलिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे प्लेलिस्ट बना सकते हैं। तो प्लेलिस्ट बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल में YouTube एप्लीकेशन ऑन कर लेनी है। YouTube एप्लीकेशन ऑन करते आपको यहाँ पे लाइब्रेरी के ऑप्शंस पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर न्यू प्लेलिस्ट का ऑप्शंस मिल जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करते आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट का टाइटल देना है। टाइटल यानी कि आप प्लेलिस्ट का जो भी नाम रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसा कि आपका व्लॉग का चैनल है तो आप यहाँ पे व्लॉग से रिलेटेड कोई भी टाइटल दे सकते हैं, यानी कि प्लेलिस्ट का नाम रख सकते हैं। अगर आपका चैनल टेक्निकल चैनल है तो आप यहाँ पर टेक्निकल प्लेलिस्ट का नाम दे सकते हैं। जैसे कि चलिए हम यहाँ पर माई न्यू टेक्नोलॉजी वीडियो, तो हमने यहाँ पे ये नाम दे दिया है प्लेलिस्ट का, माई न्यू टेक्नोलॉजी वीडियो। तो यहाँ पे आप जो भी नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। नाम रखने के बाद आप प्लेलिस्ट को प्राइवेट में रखना चाहते हैं तो इसे ऐसे ही सेट रहने दे। अगर आप प्राइवेट में से अनलिस्टेड या पब्लिश करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लें। चलिए हम इसे अनलिस्टेड कर देते हैं। तो यहाँ पर तो देखिए हमारी प्लेलिस्ट हो चुकी है अनलिस्टेड। अब आप जो भी पब्लिश, अनलिस्टेड या प्राइवेट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएगा क्रिएट का, तो आप यहाँ पे क्रिएट करें। अब देखिए हमारी प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, बन चुकी है। आपको ऊपर आपकी प्लेलिस्ट का नाम मिल जाएगा, यहाँ पे ये अनलिस्टेड है तो यहाँ पर ये पिन का आइकन है, नीचे आपके चैनल का नाम रहेगा। अब आपको यहाँ पर देखिए शेयर का ऑप्शंस मिलेगा, तो अगर आप इस प्लेलिस्ट को अदर प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट का लिंक कॉपी करना चाहते हैं तो लिंक भी कॉपी कर सकते हैं। अब आप इस प्लेलिस्ट में कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आप प्लेलिस्ट का नाम चेंज करना चाहते हैं या डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर पेंसिल का आइकन दिखाई देगा, आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से प्लेलिस्ट का नाम चेंज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप टाइटल चेंज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर सकते हैं, और नीचे आपको इनवाइट पीपल एंड ऐड वीडियो का ऑप्शंस दिया जाता है तो आप यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करते आप इसे ऑन कर सकते हैं, ऑन करते आप यहाँ पे डीएक्टिवेट लिंक कर सकते हैं, साथ ही इसे शेयर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, तो हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं इसे ऑन करते ही। अब आपको यहाँ पर ऊपर थ्री डॉट दिखेंगे, तो अगर आप इस प्लेलिस्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहां से डिलीट के ऑप्शंस पर क्लिक करते इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम अभी यहां पे डिलीट नहीं करना चाहते, तो हम इस प्लेलिस्ट में न्यू वीडियो को कैसे ऐड कर सकते हैं ये जान लेते हैं। तो ऐड करने के लिए आपको बाहर निकल जाना है। बाहर निकलने के बाद आपके चैनल के जो भी वीडियो है यहाँ पर योर वीडियो के ऑप्शंस पर आप आ जाएँ। जैसे आप योर वीडियो के ऑप्शंस पर आ जाते हैं तो आपके क्रिएटेड जो भी वीडियो होंगे, जो वीडियो आपने बनाए होंगे, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब आप इनमें से किसी भी वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे वीडियो के साइड में ऊपर थ्री डॉट दिखेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करें। क्लिक करते आप यहाँ पे सेव टू प्लेलिस्ट आएगा, आप यहाँ पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आपको उस प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिस प्लेलिस्ट में आप इस वीडियो को ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे कि हमारे देखिए इस प्लेलिस्ट पर ऑलरेडी ये वीडियो ऐड है, माई क्रिएटेड ओल्ड वीडियो एंड नीचे शॉर्ट वीडियो पर ये वीडियो ऑलरेडी एडेड है। तो अब हम इसे ऐड करना चाहते हैं माय न्यू टेक्निकल वीडियो पे, इसे राइट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे डन कर लेना है, तो ये आपका वीडियो ऐड हो जाएगा। चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे वीडियो ऐड हो चुका है। तो आप इस तरह से अपने चैनल की प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही किसी भी वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे चैनल के अकाउंट पे आ जाते हैं, ये रहा हमारा अकाउंट चैनल का, और यहाँ पे प्लेलिस्ट पे आ जाते हैं। तो प्लेलिस्ट पे आते ही हमें देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुकी है, साथ ही यहाँ पे हमारी वीडियो भी ऐड हो चुकी है। ये रहा हमारा वीडियो,
और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप यहाँ पे वीडियो को प्ले करना चाहते हैं प्ले कर सकते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड, शेयर करना चाहते हैं शेयर, और साथ ही एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं, और डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको YouTube से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन्हें भी ऐसी टेक्निकल नॉलेज मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और आपका कीमती और अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।